व्हाट इज LTE? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। यदि आप 4G मोबाइल डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको LTE के बारे में पता होता है। ओके, क्योंकि LTE जो है 4G नेटवर्क में ज़्यादातर देखने को मिलता है जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो उसमें VoLTE के साथ साथ LTE का भी इस्तेमाल होता है, लिखा होता है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, LTE इसका जो फुल फॉर्म है वो है लॉन्ग टर्म इवेल्यूएशन। ओके, इन टेली कम्युनिकेशंस लॉन्ग टर्म इवेल्यूएशन इज ए स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ये जो है लॉन्ग टर्म जो इवेल्यूएशन वो है एक वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड डाटा टर्मिनल्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, बेस्ड ऑन द GSM, EDGE एंड UMTS और HSPA टेक्नोलॉजीज। ओके, जिसमें कौन कौन से डिवाइस में इस्तेमाल होता है LTE, देखिए, जो कि सपोर्ट करता है GSM, EDGE एंड UMTS और HSPA टेक्नोलॉजीज में इसका इस्तेमाल होता है। इन इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी एंड स्पीड यूजिंग ए डिफरेंट रेडियो इंटरफेस टुगेदर विथ कोर नेटवर्क इम्प्रूवमेंट्स। ओके, इसका जो बेनिफिट्स क्या है, देखिए, आप नॉर्मल जो भी डाटा इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट, उसका जो स्पीड है जितना भी होता है, लेकिन आप वही डाटा, वही इंटरनेट आप VoLTE नेटवर्क में या LTE नेटवर्क में आप यदि इस्तेमाल करेंगे, ओके, VoLTE के नहीं LTE नेटवर्क में आप इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, उसका स्पीड कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाता है काफ़ी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।